नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे PHET सिमुलेशन के बारे में, जो कि वैसे कहूँ तो फेस्ट से लेके और आगे ग्रेजुएशन तक बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपना जो प्रशिक्षण चल रहा है विज्ञान गणित, उसमें एक टॉपिक ICT का है, उसमें ये कुछ दिए हुए थे जिसका यूज हम आसानी से कर सकते हैं, या फिर इनके आधार पर हम कुछ मॉडल तैयार कर सकते हैं, फिजिकली रूप में गत्तों पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ, क्योंकि इससे आइडिया मिल जाएगा अपने को कि कैसे मॉडल तैयार करने हैं। तो PHET सिमुलेशन, ठीक है, ये गूगल पे सर्च करना है, आपके पास ही आएगा। PHET कोलोराडो यूनिवर्सिटी का है कोई। तो इसको ऊपर स्क्रॉल करना है, और अपने पास फिजिक्स का भी है, मैथ्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी का भी है, और अर्थ स्पेस का भी है। अब देखते हैं इसके मतलब, सारा का सारा आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट। हमने जो भी पहली क्लास, छठी क्लास, आप जो क्लास को पढ़ा रहे हो उसमें टॉपिक यहाँ चयन कर लेना सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें अपन गतिविधि आधारित हम बता सकते हैं, जैसे नंबर प्ले, ये छठी क्लास का टॉपिक आता है कि नंबर के साथ बच्चा खेलेगा। हालांकि ये इसका लेवल थोड़ा डाउन है छठी से, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ इसके। फिर इस पे दोबारा क्लिक करोगे तो ये है वो अपना वेबसाइट, ठीक है ना, PHET सिमुलेशन, ये सर्च करना आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 10th की ले लेता हूँ मैं एक बार, जैसे 1 लिया तो 1 आ गया उधर। ऐसे आप बच्चों को बता सकते हो, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया। अब आप कौन से गिनवा सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिए, फिर उनको मिलवा भी सकते हो। देखो, एक और एक को मिलाई कितना, 2 हो गया, फिर 2 और 1 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गई, 1 5 हो गए, 1 6 हो गए, 1 7 हो गए। इनका थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन है ना, लेकिन ये यूज करना अपने को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये 7 हो गए, अब और भी यूज कर सकते हो। देखो 8, तो 7 रह गए, 8 हो गए। अब आप इनको गिन लो, बच्चों को कह सकते हो, तो ये 8 ही होंगे, ठीक है। इस प्रकार ये नंबर प्ले कर सकते हैं अपन, ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना। फिर देखो कुछ अच्छे टॉपिक लेते हैं अपन, जैसे रेशियो का टॉपिक लेते हैं, फ्रैक्शन का टॉपिक लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं पहले फ्रैक्शन का लेता हूँ। फ्रैक्शन में इन्होंने देखो, ये सारे हैं, ग्रेजुएशन के भी हैं, 11th 12th के भी हैं, और अब देखो फ्रैक्शन टॉपिक्स ऊपर स्क्रॉल करते जाओगे तो ये फ्रैक्शन का आ जाएगा। फ्रैक्शन बिल्डअप कैसे होता है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अपन फ्रैक्शन इक्वलिटी की बात करते हैं, जो 7th क्लास में होता है कि भाई 1/2 और बराबर क्या होता है, 2/4 होता है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी जो वेबसाइट है PHET, या आगे सिमुलेशन, तो हम गेम के द्वारा करते हैं पहले, फिर इनके द्वारा इक्वलिटी में आ जाएंगे। तो ये देखो गेम के द्वारा, अब लेवल भी है इसमें, जैसे इसमें कोई बुझा नहीं है तो लेवल 1 है इसमें, फिर नहीं लेवल 1 मतलब पार्ट 1 है इसमें, 2 लेवल हैं, इसका मतलब 2 पार्ट थे। अब देखो जैसे आपने रख दिया कि भाई मैं ये रख, चलो इजी से स्टार्ट करते हैं, ये रख देता हूं, और यहां पे क्या आएगा इसके इक्वल करने के लिए, तो बच्चा कुछ भी रख सकता है। बच्चा मान लो नॉलेज है तो वो सीधा ये रख सकता है, ठीक है। फिर आप चेक की कह सकते हो, चेक करिए बिल्कुल बराबर है, ठीक है। फिर मान लो आप कह दो कि नहीं ये रख, ओके कर देते हैं, और बराबर का निशान यहां आ जाएगा। फिर आप कह सकते हो कि ये रखी रख देते हैं, और बच्चे से कहोगे कि आप यहां क्या आएगा, तो ये क्या हो रहा है, देखो टोटल 3 है, 2 भरे हुए हैं, इसका मतलब 2/3, तो इसके बराबर क्या आएगा भाई, अपन 2/3 रख सकते, ठीक है। 2 भरे हुए टोटल 3 है, तो 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर, ओके। क्या अपन चेक करते हैं, देखो इक्वल आ रहा है क्या, इक्वल आ रहा है,
और ये एक साइन भी आएगा, यहाँ आपका स्कोर है, ये तो एक गेम की तरह मतलब। ठीक है, फिर मान लो ये रख दिया, टोटल कितने बच्चों को कहोगे, 1 2 3 4 हैं, तो कौन सा आएगा नीचे, जिसके चार होगा वो आएगा नीचे, चार इनमें और इनमें इसके, फिर भरे हुए कितने, 1 2 3 है, तो फिर ये संख्या इक्वल हो जाए। मान लो मैं, एक चांस है कि ये बच्चा नहीं रख पाया, ये रख दे मान लो भाई, चांस ऐसा हो, फिर आप चेक करोगे कि ये बड़ी है और ये छोटी है, ये देखो हरी वाली बड़ी है और ये छोटी, इसका मतलब ये ट्राई अगर नहीं कर सकते हो आप कि ये अपना गलत हो गया, इक्वलिटी में नहीं है, इसको वापिस यहाँ रखो, फिर इसको यहाँ रखो, फिर चेक करो, बिल्कुल आपका इक्वलिटी में आ गया, और फिर ओके करते ही ऐसे एक गेम के द्वारा भी हम बता सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चा खुद गतिविधि के द्वारा करके सीखे। ठीक है, रेशियो का और देख लेते हैं, ऐसे खूब सारे हैं, हर टॉपिक के तीन तीन दो दो मॉडल्स बने हुए हैं ऐसे, तो आप उन पे, और इनको अपन ऐसा थोड़ा सोच के हम फिजिकली रूप में भी तैयार करवा सकते हैं इनको, है ना, कि दो ऐसे मतलब फिजिकली रूप में ले सकते हैं, गत्ते बना सकते हैं, फिर उनको कलरफुल कर सकते हैं, तो इस प्रकार अपन जैसे पेज के ऊपर कलरफुल कर लिया और टेबल के ऊपर लिखवा लिया, एक पेज पे 2/3 लिख लिया, एक पर कलरफुल लिख लिया, इससे कुछ क्या है कि एक्टिविटी बहुत और बच्चे भागीदारी बहुत लेंगे इसमें। जैसे ये रेशियो वाला है, ठीक है, ये मैं यूज करता हूँ, मुझे पता है कि कितना इंटरेस्ट आता है इनमें करवाने में, जो हार्ड से हार्ड होता है वो इजी से इजी समझ जाते हैं। अब देखो ये कोई रेशियो का है, अनुपात का अपन 8th क्लास में एक टॉपिक आता है अनुपात समानुपात, तो वहाँ इसका थोड़ा यूज करके हम बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। अब देखो ये इंटरफेस से एकदम खाली है, तो आप बता सकते हो कि ये अनुपात कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, तो हमें यहाँ चूज करना चाहिए लाइनिंग में से कौन सा चूज करें, ये लाइनिंग करेंगे या नंबरिंग, नहीं है बच्चों के लिए नंबरिंग भी होनी जरूरी है, इसलिए ये नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग में देखो ये 2 पर है और ये 4 पर है, इसका मतलब 2:4, इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, मान लो ये कहाँ पर हो गया, 7 पर हो गया, ये 4 पर है, तो 7:4, इसको ऊपर नीचे इसको भी कर सकते हो आप कैसे भी, ये जैसे यहाँ पर रख दिया तो 7:2 हो गया, ये फिजिकली रूप में बना सकते हो, और ऐसा दो कोई गिट्टियां कंकर पत्थर वो ले सकते हो और उनको आगे पीछे करके बता सकते हो। ये हर दिन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन 9 बैक दिन के दिन आसानी से हम कुछ चीज़ें सिखाएंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, ऐसे यदि हम पढ़ाते रहेंगे तो वो कुछ नहीं सीखेंगे, आगे वाला पढ़ा दिया पीछे वाला साहब, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है। बाकी खूब सारे टॉपिक हैं, आप खुद चेक करना, बहुत मज़ेदार है ये पूरा। अब अपना एक बचा है जो जियो जेबरा है, और डेसमोस को मैंने वीडियो डाल दिया था कि वो थोड़ा सा ग्राफिंग का पैटर्न है जिसमें 9th-10th के बच्चे ज़्यादा इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें सारे टॉपिक हैं, देखो कोई टॉपिक छोटा नहीं है, ये वेक्टर वगैरह तो हायर क्लास का आ गया, ठीक है, इजी से इजी टॉपिक भी इसके अंदर है, जैसे आपको लाइनिंग ले सकते हो आप, ये नंबर लाइन जो ये आपको पूर्णांकों की नंबर लाइन दी हुई है, तो एकदम बिल्कुल है, डिस्टेंस का दिया हुआ है, ठीक है, नंबरों का कंपेयर का दिया हुआ है, कंपेयर कर सकते हो नंबर वाला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये भी आप देख सकते हो, और इससे क्या है कि अपने को आइडिया जाता है कि हमने को क्या क्या करना चाहिए, इसके आधार पर हम फिजिकली रूप में कैसे कर पाए, क्योंकि बोर्ड ये मोबाइल है ये तो अपने ले नहीं सकते यूज, और मोबाइल पे सभी बच्चों को दिखेगा भी नहीं, लेकिन हम फिजिकली रूप में जैसे 9 बैक डे के आधार पे, इस आधार पे हम कर सकते हैं ये चीज़ें, जैसे ये देखो 1 2, इधर 3 है, इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इधर 0 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, अब बताओ बच्चों को पूछ सकते हैं आप इधर ज़्यादा है या इधर, बच्चे कहेंगे इधर 3 है, इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 3 ज़्यादा है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो बच्चे हमेशा आदत होती है कि वो ज़्यादा वाला की कहेंगे, ठीक है, तो फिर आप ये समझाते हो कि ये साइन आ जाएगा, फिर इधर मुंह खुला हुआ होगा, फिर देखो ये इधर
इधर अपन दूसरी साइज ले लेते हैं, यहां से हम बदल सकते हैं, जैसे बोल ले सकते हैं, सेव ले सकते हैं। जैसे मान लो तीन ही मैंने इधर ले लिए, अब बच्चों को कहोगे कौन सा लेंगे, तो बच्चे ये सोचेंगे कौन सा भी ले लो, इधर सेव ले लो आप, कौन सा भी ले लो अपने तो बराबर है। ठीक है, बच्चे ऐसे नहीं सीख पाएंगे कि बराबर का साइन कहाँ आता है, लेकिन अब सीख जाएंगे दोनों ही बराबर है। ठीक है, इधर बढ़ा दिया, इधर चार आ गया, तो मुंह देखो इधर से खुला हो गया। तो ये चीजें एक्टिविटी यहाँ करवा सकते हैं और फिजिकली रूप में इनको बनवा सकते हैं, बच्चों से भी भागीदारी लेके अपन भी। तो यही मेरा उद्देश्य था बताने का। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।